आएंगे, रोजगार आप कहाँ से लाएंगे? उसके लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जाएगी, जरूरी है जो सरकारी व्यवस्था ही होगी। हमने बाहर से कपड़ा मंगवाएंगे, सिलाई कटाई करने वाले बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर, वो कटाई का बुनाई करेंगे और बाजार में हमारे बेरोजगार भाइयों जाके उसको बेच के लाएंगे, वही हुआ रोजगार। क्या नाम हुआ आपका? फूल कुमारी। अच्छा, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड संख्या 7 से मैं हूँ। अच्छा, हम जनसंपर्क के लिए निकले हैं। जनसंपर्क क्यों? मैं भी मुखिया पद से इस बार चुनाव लड़ रही हूँ। आप इसी पंचायत से? जी, साठा पंचायत से। अच्छा, तब तो आपसे ये पूछना शायद उचित नहीं होगा कि क्या काम हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रतिद्वंदी हैं। तो आप इसलिए हो सकता है केवल उनका बुराई ही करेंगे? नहीं, हम बुराई इसलिए नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं लिए हैं, जो धरातल पर काम होगा उसके बारे में बोलना ही होगा, जो नहीं होगा उसके बारे में खोलना होगा पोल। पोल यदि नहीं खुलेगा तो काम नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होगा। यदि निष्पक्ष भाव से आपसे पूछे कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवास योजना भी मिला है बहुतों को। आवास योजना के बारे में यदि आप पूछे, किन्हीं से नहीं बोल पाए भाई लोग, आवास योजना भी बहुतों को मिला है, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। उसी में जो और कुछ लोग हैं जो लेने वाले हैं, छूटे हुए हैं, तो 2022 तक क्लियर होगा, चाहे मुखिया जो भी आए, इसके लिए कोई नहीं। जनता जनार्दन है, इस पंचायत के सर्वोपरि मालिक जनता है, वो जिनको चुनेंगे वो देंगे, वो नहीं देंगे, सरकार का योजना है, देना ही पड़ेगा। क्योंकि खपड़ा का मकान हटाओ, ईट खपड़ा का हटाओ, अब सफा करो, छत का बनेगा, इसलिए जरूरी है बनेगा। यहाँ नल का जल का बात किए हैं, यहाँ पे ऊपरी छो है, कर्बाइन से ऊपर ऊपरी छो है, और उधर निचली सतह है, निचली सतह के कारण वहाँ समरसेबुल गड़ा दिया गया ऊपरी निचली सतह पे, जिसके कारण इधर नहीं आ सकेगा। वो देना तो चाहा, इधर काम कर लेना, हम लोग रोक दिए, इधर नहीं दीजिए, जब भी दीजिए तो बी पॉइंट दीजिए, क्योंकि पानी आएगा ही नहीं तो फिर हम सरकार के रजिस्टर में क्यों जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 100 से 140 से 50 घर हैं जो नल के जल से वंचित हैं। इसके लिए हमने प्रखंड भी में गए और जमीन की भूमि का भी व्यवस्था कर दिए हैं, स्टंप पर बना के हमने दे दिया है। जेई तक गए, जेई ने बोले जो ठीक है सो हम काम करवाएंगे, बी पॉइंट देंगे मैडम, अवश्य देंगे, क्योंकि 100-150 आदमी का सिग्नेचर भी है, इसलिए तो इस सब में कोई अति नहीं है। हम लोग लड़ाई सब दिन से लड़ते हैं, जहाँ पे देखते हैं कमजोरी वहाँ पे चले जाते हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायती जो भी मद में हो, प्रखंड छोड़िए अनुमंडल जिला राज्य स्तर तक हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ देने वाले थे। या हर जगह आप ये महिला होकर इतना कैसे कर पा रहे हैं? आप अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पदाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। आप जान रहे हैं ना कि गांव में खास तौर पे महिला को लोग चाहते हैं कि घर में ही रहे, है ना, लेकिन आप इतना खुल के एकदम पदाधिकारियों तक जाते हैं, जो काम नहीं हो रहा है उसको दिखाते हैं, कैसे कर लेते हैं ये? हम इसलिए कर लेते हैं, हम अपना जीवनी बता रहे हैं। 2008 की बात कर रहे हैं, 7 की, हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाने गए थे प्रखंड। उस समय मेरा शादी ब्याह क्या कहता है कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। इंटर में एडमिशन करवाए थे, छात्रवृत्ति के लिए मांगा जा रहा था, तो बनाने गए तो 4 दिन टहलाया गया, और वहाँ पर कम से कम हजारों स्टूडेंट को देखते थे जो लौट लौट कर जा रहे थे। हमको एक दिन इतना क्रोध आया जो हम घुस गए BDO साहब को चैम्बर में, और घुसे और उनसे पूछे, सर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले कि क्या काम है? तो हम बोले जो ये सब काम है। बोले जाइए, कल आइएगा। हम बोले हम 5 दिन से दौड़ रहे हैं, अब नहीं दौड़ सकते हैं। मेरे पीठ पर इस प्रखंड के हजारों स्टूडेंट थे, सब भीड़ गए, वो विलंब 1 से 2 घंटा में सारे बच्चों का वो सारे पेपर्स बना दिए, सब लोग चले आए। उसी दिन से हम निकी बोलने में कहीं भी आगे बढ़ने में एकदम चले जाए, धड़ाक दबर पहुंच जाएंगे, ऑफिस में घुस जाए, वो भी मानव है, अधिकारी है, जो हमसे त्रुटि होगा वो बताएंगे, जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं तो हमको बताएंगे कहाँ से, जानकारी लेंगे नहीं फिर मैं अपने पंचायत में विकास के बारे में जानेंगे क्या योजना है या नहीं, तो उसके बारे में जानेंगे तब तो हम धरातल पर ला सकेंगे, घर में घुसे रहेंगे तो क्या जानेंगे। और मेरा सोच है जो हम जो भी योजना हो सरकार की चलाई गई उस योजना के धरातल पर लाएं, उसके लिए चाहे हमको जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, सिर्फ मेरे पीछे सब आदमी रहिए। क्या बात है, हाँ, चलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इस बार यदि मेरी जीत होती है तो बेरोजगार के लिए मैं रोजगार की अविलंब व्यवस्था। कहाँ से लाएंगे रोजगार? आप कहाँ से लाएंगे?
उसके लिए कुटील उद्योग की व्यवस्था की जाएगी, जरूरी है जो सरकारी व्यवस्था ही होगी, कुटील उद्योग। नहीं, नहीं, एक बात बताइए हमें, आप पंचायती स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक सांसद वो चुनाव जिस समय लड़ते हैं तो वो भी वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे इतना रोजगार लाएंगे, नहीं हो पाता है ना। लेकिन आप एक पंचायत स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं और जब लोग आपको जिताएंगे तो कहां से आप रोजगार, जो ये कहते हैं कि रोजगार बेरोजगार को रोजगार देंगे, उद्योग की व्यवस्था करवाएंगे, हमने बाहर से कपड़ा मंगवाएंगे, सिलाई कटाई करने वाले बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर, वो कटाई का बुनाई करेंगे और बाजार में हमारे बेरोजगार भाइयों जाके उसको बेच के लाएंगे, वही हुआ रोजगार। अब बताइए बैठे रहेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। यदि वो कुटीर उद्योग के माध्यम से खटेंगे तो उनके घर में दो रोटी अच्छे से खाएंगे, दो रुपया बचाएंगे, वो अपने बच्चे को उचित शिक्षा भी दे पाएंगे। तो आप अभी जनसंपर्क में जा रहे हैं जी। तो अकेले जा रहे हैं आप? अकेले नहीं जा रहे हैं, और लोग हैं, हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र के मेरे माता लोग बहन लोग साथ दे देते हैं। और हम गरीब प्रत्याशी हैं, हम उन लोग के पीछे खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम किन्हीं को समय को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो आप लोग यदि हम आपको धसे जो काम करने लायक है तो आप वोट दीजिए, नहीं धसे नहीं दीजिएगा फिर भी हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और काम करवाने का काम करेंगे।